हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को टाइटल से और वीडियो से पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इमली की चटनी कैसे बनाते हैं। इमली चटनी बनाने के लिए इस तरीके से आप एक कढ़ाई रखिए, उसमें आप पानी डालिए, अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिए और इसके अंदर अब हम डालेंगे इमली। आप इस तरीके से इमली डाल दीजिए और अब इसमें हम डालेंगे गुड़। थोड़ी सी मिठास लाने के लिए अब हम इसमें गुड़ डाल दिया है और इसको अब हम धीमी आंच पे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारी इमली और गुड़ अच्छे से पकने लग गए हैं और अब हम इसको क्या कर लेंगे, अच्छे से छान लेंगे। इस तरीके से हम छान लेंगे और जितनी भी बीज थी और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर लेंगे और फिर से इस चटनी को दोबारा से पकाने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो अब हम चटनी को एक तड़का दे देंगे। तो तड़के के लिए मैंने लाल मिर्च ली है, धनिया ली है, सौंफ ली है, कलौंजी ली है, जीरा लिया है और मेथी के दाने लिए हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा ऑयल डालिए और जैसे ही ऑयल आपका गर्म हो जाए आप ये सारे के सारे मसाले इसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लीजिए। ज़्यादा ब्राउन मत करना वरना जल जाएगा। और आप अपनी चटनी को एक तड़का दे दीजिए। ये देखिए, मैंने तड़का दे दिया है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो आप इसको सेटल डाउन करने के रख दें और हमारी चटनी बनकर तैयार है। अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।